केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया समर्थकों से सरकार और संगठन असहज हो गया है। सूत्रों की माने तो सिंधिया समर्थकों के बयान आए दिन सरकार की परेशानी खड़ा कर देता है। मंत्रियों के आए दिन विवादित बयानों के कारण संगठन भी खासा खुश नजर नहीं आ रहा है। बीते दिनों इमरती देवी ने पुलिस पर दिए बयान के बाद सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी थी। इमरती देवी के बयान का सरकार व संगठन के पास कोई जवाब नहीं होता है। वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी सड़कों की दुर्दशा देखकर जूते चप्पल त्याग दिए थे। जिस मंत्री के इस फैसले के बाद सत्ता में बैठी उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसका जवाब बीजेपी के दिग्गज नेता भी नहीं दे पाए। इतना ही नहीं, बीते दिनों प्रद्युम्न सिंह ने शराबबंदी के मुद्दे पर बोलकर एक बार फिर राजनीतिक हवा दे दी। यह नेता पार्टी के गाइडलाइन के विपरीत बयान देकर प्रदेश नेतृत्व को दुविधा में डाल देते हैं।